बात है। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा रिश्ता बहुत एक काफ़ी अर्सा पहले का है, चित्रा जी हैं मैंने 1975 की बात है, 74 जब आप लोग आए थे और मैं कॉलेज में था। और जगजीत जी की एक आदत थी, बहुत ही इनफॉर्मल आदमी थे वो, मतलब जिससे भी मिलते थे जब भी वो फौरन वो एक उनसियत करते हैं, कहते हैं उर्दू में उनसियत हो जाती थी, एक अपनापन, नहीं एक अपनापन महसूस हो। रिश्ता तो ठीक है लेकिन आपको महसूस होता था कि ये आदमी बिल्कुल जैसे आप ही का, मतलब बहुत करीब है, हालांकि आप पहली बार मिले। तो मैं लंबा किस्सा नहीं बताऊंगा, आपने कहा कि कुछ मेमोरीज शेयर करें, तो ये मेमोरी मेरी पहली है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं आ जाओ तुम भी गाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं गा सकता, आप दूसरे दिन मेरे घर पे आइए, खाने की दावत रखते हैं और चित्रा जी और जगजीत जी आए। मुझे याद है मैं बैठा था और मतलब आई एम जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो उनका एक इनफॉर्मल पन था वो जब से आखिर दम तक ऐसे ही थे। तो वहाँ पर एक माइक्रोफोन था छोटा घर का और मैं हारमोनियम लेके सुना रहा था, तो माइक्रोफोन का स्टैंड नहीं था, तो जगजीत जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं माइक्रोफोन पकड़ के बैठ जाता हूँ सर, और वो ऐसे बैठ गए और मैं गा रहा हूँ। तो मैं मूड में आ गया और मैं जब जो भी गाता था गा रहा हूँ, आँख बंद करके गा रहा, सडनली मैं मेरी आँख खुली तो मेरी माँ को देखा, मैं वो उधर से इशारा कर रही क्या कर रहे हो, बस करो बहुत हो गया, कब तक वहीं खाते रहेंगे। तो ये शुरुआत थी। और जब जानने से पहले उन्होंने कहा कि भाई तुम मुंबई आओ,